Love, 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 love. Oh yeah. तो गाइस अभी इंस्टाग्राम के रील्स पर कुछ इस टाइप के वीडियो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बनाना है तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ गाइस, आप सबसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होता है या फिर आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज रिप्लाई जरूर करूंगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। एक है आपका टर्बो वीपीएन, जो कि गाइस आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक है आपका कैपकट एप्लीकेशन जिससे आपका वीडियो एडिटिंग होगा। तो फ्रेंड्स, जो कैपकट एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा क्योंकि ये बैन हो चुका है, ये एक चाइनीज एप्लीकेशन था। तो कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना होगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप विजिट करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना वीपीएन को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसे आपको कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो आपको नीचे ऑप्शन मिलता होगा टैप टू कनेक्ट का, उसके नीचे वाला आइकन में आपको क्लिक करना है, आपका लोडिंग लेके आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। तभी आप देख सकते गाइस हमारा वीपीएन लोडिंग ले रहा है, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, तो आपको भी कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आना होगा और आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोजेक्ट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से गैलरी ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, एक फोटो को जिससे अपने वीडियो को बनाना चाहते हैं। सो गाइस, मैं एक फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से इमेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरफ आना होगा, एक आपको गाइस वाटरमार्क मिलेगा इस एप्लीकेशन का, तो इसे रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाटरमार्क वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करके इसे आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और इसके लेंथ को आप खींच के कुछ इतना इसे बढ़ा लीजिएगा, इतना आपको कर लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है, एंड आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, तो आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको 9:16 वाला रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और आप इसे इस तरीके से जूम करके एडजस्टमेंट वगैरह कर लीजिए कुछ इस तरीके से, इतना आपको कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता होगा ऐड ऑडियो का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इनपुट साउंड ओनली का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो आपका इस तरीके से साउंड आ जाएगा। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इसे मैं खिसका के आगे तक लेके आ जाता हूँ इस तरीके से, तो इतना आपको कर लेना है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने साउंड के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है मैच आउट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका लोडिंग लेके आपके साउंड पर ऑटोमेटिक आपका बीट ऐड हो जाएगा, जहां जाएगा आपके साउंड पर बीट आता भी अब देख सकते लग चुका है, फिर आपको साइन पर टिक कर लेना है। सो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने साउंड को यहाँ पर सुन लेना है कि आपके साउंड पर किस जगह पर चेंजिंग आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइस अपने वीडियो को यहाँ पर जूम कर लेता हूँ इस तरीके से, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस इस जगह से हमारा साउंड पर चेंजिंग आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, सेम गाइस आपको इसी जगह पर आना है,
और सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करके इसे आपको कट कर लेना है और इसके सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने साउंड के ऊपर भी आप क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद इसे भी आप कट कर लीजिएगा स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड इसका सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है। इस तरीके से डिलीट कर दीजिएगा। सो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर को आपको ऑन कर लेना है। आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है और आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट बीट के ऊपर कुछ इस जगह पर आ जाना है, सेम इसी जगह पर, और आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से अपने इमेज को आप जूम वूम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और आपको फिर सेकंड बीट के ऊपर आना है इस तरीके से, फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, सब खिसका लीजिएगा इस तरीके से। और इसे भी गाइस इस जगह पर आपको आना है, इस थर्ड वाले बीट के ऊपर इस तरीके से आना है। इसे आप जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इस जगह पर गाइस आपको फिर बीट के ऊपर आना है इस तरीके से, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है एंड आपको इस तरीके से आप खिसका लीजिएगा। और इस जगह पर आना है एंड आप फिर से इस तरीके से आप खिसका लीजिएगा। और इस तरीके से फिर गाइस आपको आना है, आप इसे जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इस जगह पर आके फिर से प्लस का आइकन क्लिक करना है इस तरीके से, उसे हम छोटा कर लेते हैं। और इस जगह पर आते हैं एक बार गाइस, फिर से आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। आप इसे छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। और लास्ट में आके गाइस आपको इस तरीके से प्लस का आइकन पर क्लिक करना है एंड इसे मिडिल पर इस तरीके से लेके आ जाइएगा। सही तरीके से आपको इसे एडजस्टमेंट कर लेना एंड में। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर को आपको ऑफ कर लेना है एंड गाइस इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। तो देख लीजिए गाइस इस तरीके से हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को आप ऑफ कर लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। देख लीजिएगा गाइस सेव हो चुका है। और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से गाइस आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को होम पेज पर आ जाना है इस तरीके से। और आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो एंड गाइस आपने जिस वीडियो को सेव किया था, दोनों वीडियो गाइस आपको यहाँ पर एड कर लेना है इस तरीके से। तो हम कर लेते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर दोनों वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को ऐड करना है, उसके बाद गाइस आपने जिस वीडियो को सेव किया था उस वीडियो को ऐड कर लेना है। तो इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपको नीचे मिल जाता है, उस ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरीके से आ चुका है, सबसे पहला हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है। एंड इसके बाद गाइस हमारा ये जो गाइस वीडियो हमने सेव किया था वो है इस तरीके से, अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से आ चुका है। तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है एंड आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, तो आपको फॉर्मेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 9:16 वाला रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको टिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसे जूम करके इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। आपको अपने हिसाब से इसे एडजस्टमेंट कर लेना है इस तरीके से, इतना आपको कर लेना है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना, सबसे पहले इसके वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वॉल्यूम को गाइस मैं म्यूट कर लेता हूँ। और इसके भी गाइस मैं वॉल्यूम को यहाँ पर म्यूट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इतना हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं। और आपको अपने एंड पार्ट में आके इसके वाटर मार्क को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है एंड आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड ऑडियो का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले गाइस आपने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जिस रील्स वीडियो को डाउनलोड किया था उस वीडियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इनपुट साउंड ओनली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका साउंड इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके साउंड पर चेंजिंग भी आता है कुछ इस जगह से, तो आपको एक बार सुन के देख लीजिएगा आपके साउंड पर किस जगह पर चेंजिंग आता है। सो गाइस आपको इस जगह पर आना है कुछ इस तरीके से, इस जगह पर आ जाइएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपका वीडियो का फालतू पार्ट होगा तो आप कट कर लीजिएगा। सो गाइस मैं पहले अपने फालतू पार्ट को कट कर लेता अपने वीडियो का, तो मैंने कुछ इस जगह से अपने वीडियो को स्टार्ट किया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कुछ इस जगह से गाइस मेरा स्टार्टिंग था कुछ इस जगह से। तो सबसे पहले गाइस मैं अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिट का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड इसका जो गाइस आपका फालतू पार्ट होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करके आप इसे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आप रिमूव कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इतना आपको कर लेना है। और गाइस हमारा कुछ इस जगह पर चेंजिंग हो रहा साउंड में, तो सबसे पहले गाइस आपको सबसे फर्स्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्पीड का, तो आपको स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस आप इस तरीके से इस तरफ आ जाइएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मेरा गाइस इसी जगह पर गाइस साउंड पर चेंजिंग हो रहा, तो गाइस मैंने कुछ इस जगह पर इसे एडजस्टमेंट किया कुछ इतना पॉइंट में।
तो 8.0 का इस कुछ हमारा सेकंड है, तो मैंने इस जगह पर इसे एडजस्टमेंट किया, तो ये सही तरीके से हो चुका है। तो आप इसे आगे पीछे करके गैस आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो गैस मैं इसे 8 में रख लेता हूँ इस जगह पर, और गैस एडजस्टमेंट हो चुका है। और इसके बाद गैस मैं इसका सेकंड पार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे भी गैस मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसके स्पीड को। सो गैस मैं कुछ इस जगह पर इसे रख लेता हूँ। तो गाइस मेरा एडजस्टमेंट हो चुका है स्पीड इसका भी, और साइन पर टिक कर लेना इस तरीके से। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो को जूम कर लेना है, और देख लीजिए गाइस आपको कुछ इस जगह से आपका जहां से सेकंड पार्ट होगा जो गाइस आपका सेकंड वीडियो, आपको उस जगह पर आना है। एंड इस जगह पर गाइस आपका साउंड पर बीट होगा, आपको कुछ इस जगह पर आना है और आपको अपने वीडियो को ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, तो आपको उस जगह पर इसे कट करना है। फिर गाइस हमारा कुछ इस जगह पर बीट है, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने वीडियो को ऊपर और फिर से इसे कट कर लीजिएगा। फिर से गाइस हमारा इस जगह पर बीट है, फिर से आपको अपने वीडियो को ऊपर क्लिक करना है, इसे आप कट कर लीजिएगा। तो आपका साउंड पर इस जगह पर गाइस आपका बीट है, आपको उस जगह पर इसे कट कर लेना है इस तरीके से। आप सुन भी सकते अपने हिसाब से, आप सुन के भी कट वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। तो कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद आपको क्या करना, इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ इस तरफ आ जाना है और गाइस आपको जो फर्स्ट बॉक्स मिलता है इसे आपको छोड़ देना है, और आपको गाइस सेकंड बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इस तरफ आ जाना है। एक आपको इफेक्ट मिलेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, इस नेम से गाइस आप देख लीजिएगा, इस नेम से होगा। और गाइस ये जो लाइन है आपको इसे हमेशा फुल कर लेना है, फिर आपको साइन पर टिक कर लेना है। फिर से आपको दूसरे बॉक्स पर क्लिक करना है और आपको इस इफेक्ट को ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, और फिर से गाइस आपको इस बॉक्स पर आपको इसे इफेक्ट को ऐड कर लेना है, और इस बॉक्स पर भी गाइस आपको इसे ऐड कर लेना है इस तरीके से। इसे भी गाइस हम ऐड कर लेते हैं इस बॉक्स पर, आपको इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है इस तरीके से, और साइन पर टिक कर लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए फ्रेंड्स आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके अपने वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।